हे गाइस नमस्कार और आई एम डॉक्टर अभिषेक रीडर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। मेरा जो ब्रांच है ये मेनली डील करता है जितने भी ओरल कैविटी में लीजन्स होते हैं उसके बारे में। तो आज का जो वीडियो होगा कोविड रिलेटेड होगा। आजकल कोविड में पाया गया है कि म्यूकोरमाइसिटिस जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन कोविड-19 पेशेंट्स में देखा जा रहा है। हाल फिलहाल में काफी जगह पेशेंट्स में महाराष्ट्र और सूरत में जो लोग आईसीयू में थे उन लोगों को काफी हो रहा है म्यूकोरमाइसिटिस, जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। और अर्लियर में इसका नाम जो है ये जाइगोमाइकोसिस हुआ करता था। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्या होता है, किन वजह से होता है, तो उसके ऊपर आज ये वीडियो मैं बनाऊंगा। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है बेसिकली एक टाइप ऑफ डीप फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल इन्फेक्शन एक होता है सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल होता है मतलब कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से, कैंडिडियासिस जो हमारे अभी भी आपके स्किन में होगा, घूम रहा होगा कैंडिडियासिस, ठीक है, कैंडिडियासिस सबके अंदर होता है। इनफैक्ट म्यूकोरमाइसिटिस जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो म्यूकोरमाइसिटिस फंगस से होता है और वो उसके स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में हर जगह होते हैं, अभी भी कहीं घूम रहे होंगे आपके आसपास ही। लेकिन वो उन लोगों पर अटैक करते हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी पूरी कम हो जाती है। अब किन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर किसी पेशेंट्स का एचआईवी एड्स है उनमें तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें काफी ज्यादा म्यूकोरमाइसिटिस होने के चांस होते हैं, इसको बोलते हैं डीप फंगल इन्फेक्शन। दूसरा टाइप ऑफ पेशेंट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं, तो उनमें भी म्यूकोरमाइसिटिस होता है। प्लस ऑर्गन डोनेशन पेशेंट्स, तो जिन जिन पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है उन उन पेशेंट में ये डिजीज होती है। अब कोविड-19 के साथ इसका कैसा रिश्ता आया, जब भी कोई पेशेंट कोविड-19 के लिए एडमिट रहता है आईसीयू में हॉस्पिटल में, तो कोविड-19 में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो सार्स कोविड है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, ये क्या कर रहा है, आपके लंग्स में जाके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। आप एक नॉर्मल इंसान है, यंग बंदे हैं, आपके अंदर एक बॉडी एक इम्यून मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, साइटो केमिकल्स मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करती है, इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे जो केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है ये आपके लंग्स में फ्लूइड भर देते हैं, उसकी वजह से जो आपका एल्वुलाई होता है, जो आपका फुसफुस जो आपका लंग्स होता है उसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके एल्वुलाई डैमेज हो जाते हैं बॉडी के खुद के सेल से, इसको बोलते हैं साइटोकॉन स्टॉर्म। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेसिकली सिंपल भाषा में बॉडी के सेल्स ही जब वायरस के ऊपर अटैक करते हैं उसमें खुद के बॉडी सेल्स भी डैमेज होते हैं जिसमें लंग्स भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए रैपिड डेथ हो जाती है। तो जब इस चीज को रोकने के लिए डॉक्टर्स स्टेरॉयड यूज करते हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन स्टेरॉयड का एक और दूसरा इफेक्ट यह है कि स्टेरॉयड हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, ठीक है, हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड दिया जा रहा है जैसे कि डेक्सामेथासोन प्रोप्योनेट, क्लोबिटासल प्रोप्योनेट और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि हमारे कोविड-19 में दिए जाते हैं। डोसेजेस वगैरह तो इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ब्लैक फंगस है जाइगोमाइसिस है ये हमारे सिस्टम में आ जाता है और ये हमारे ऑलरेडी वीकेंड इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक फंगस है जो हमारे ब्लड वेसल्स के आसपास जमा होके ब्लड को क्लॉट करता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो बेसिकली ये कहां सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी। तो हम तो जानते ही हैं कभी कभी हमको सर्दी जुकाम जब हो जाता है हम बोलते हैं साइनस हो गया है, साइनोसाइटिस हो गया है। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है मेन इसका जो अटैक होता है साइनोसाइटिस ब्रेन स्किन एंड लंग्स में। तो ऐसे काफी कॉमन लीजन्स होते हैं, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। राइनोसेरिब्रल मतलब कि नोज एंड सेरिब्रल, मतलब कि इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेन सेल्स, ये राइट, ब्रेन के अंदर भी म्यूकोरमाइकोसिस जा सकती है, इसलिए काफी लोगों की आईसाइट भी जा रही है अभी रिसेंटली। सबसे कॉमनली जो अफेक्टेड होता है, सबसे कॉमन वो होता है ऊपर का जो जबड़ा होता है ना, मैक्सिला बोलते हैं उसे, वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ये क्या करता है कि ब्लड क्लॉट करके लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई करा देता है उस एरिया में और वो जो पूरा एरिया जो होता है खराब हो जाता है, डेथ हो जाती है उस एरिया की, नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस का सिम्टम्स होता है कि आपका नेजल कंजेशन हो जाएगा, नेजल ब्लॉक लगेगा, देन यू विल बी हैविंग फीवर, उसके बाद आपका एक साइड का जो हेड है वो
हेवी लगने लगेगा, ठीक है। और ये जो फंगस होती है ये कभी कभी जो नेजल डिस्चार्ज होता है हमारा, मतलब कि नाक से जो हमारा बहता है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है ये। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि इसके हैं, जैसे कि लंग्स में क्या होता है, इट कैन कॉज कंजेशन एंड फीवर ऑल्सो। तो कोविड तो है ही, एक मार के जा रहा है, ऊपर से ये आजकल एक नया कॉम्प्लिकेशन आया। अब इसकी दवाई आती है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि इस फंगस को किल करने में हेल्प करती है। और ये दवाई जो है आजकल ब्लैक मार्केट में बिक रही है, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो ये जो चीज है, अगर आपके साथ या फिर कोई भी सिचुएशन आपके साथ ऐसी आई, तो एम्फोटेरिसिन की प्राइस अराउंड 1500 से 2500 के बीच में होती है, उससे ज्यादा कोई अगर आपसे ले रहा है तो दैट इज ब्लैक। और आप ट्राई करें, जितना भी आपका जो डोसेजेस है, अगर कोई पेशेंट आपका है तो उसको रेगुलर मॉनिटर करें। देखिए, ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी फॉर्म में आपको अटैक कर सकता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कब ये पैंडेमिक हमारे इस अर्थ से जाए और हम जल्दी से जल्दी इस चीज से मुक्ति पाएं। क्योंकि ये पैंडेमिक ऐसा, पहले जो कोविड आया था तो उसने बोला था कि ये सिर्फ अपर क्लास के लोगों को हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा वेव आया है ये गांव गांव, गली शहर, सब जगह घुस चुका है। तो हमको ही इससे खुद से बचना है, और कॉम्प्लिकेशन ना हो तो जो भी स्टेरॉयड मेडिसिन दी जाती हैं उसको टेपर करके देना चाहिए। प्लस अभी इतना ज्यादा शॉर्टेजेस है डॉक्टर्स का, और इसलिए हर एक पेशेंट मॉनिटर करना और हर एक पेशेंट का फॉलोअप करना बहुत ही मुश्किल है। प्लस लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इन सब सिचुएशंस की वजह से अभी सिचुएशन तो खराब ही चल रही है, और क्या बता सकते हैं इसमें। तो सबसे बेस्ट तरीका है घर पे रहिए और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स को समझाइए कि वो बाहर ना जाएं, और कोई भी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि दूसरे लोगों को हार्मफुल हो। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप प्लीज टेस्ट करवा के आइसोलेट करें अपने आप को। ऐसा नहीं कि फीवर आ गया तो घर पे बैठ गए और दूसरे लोगों को फैला रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, आई थिंक यू विल लाइक इट, और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टिल देन, नमस्कार।